हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज बेसिस इन चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बेस? बेस होता क्या है? बेसिस आर दोस केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी टू टच। बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है स्टूडेंट जो तीता होता है टेस्ट में एंड ऑल्सो फील स्लिपरी, उसको छूने से थोड़ा स्लीपी टाइप का, सोपी टू टच। जैसे हम लोग सोप को छूते हैं तो क्या लगता है, उसको टच करते हैं तो स्लिपरी टाइप का, तो स्लिपरी टू टच। स्टूडेंट्स, इन आवर डेली लाइफ हम लोग जब किचन में एज ए इंग्रेडिएंट बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा एज ए इंग्रेडिएंट पकौड़ा बनाने में या कोई भी स्नैक्स बनाने में हम लोग उसको यूज करते हैं। केक प्रिपेयर करने में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है स्टूडेंट। ये बेकिंग सोडा कभी टेस्ट किया स्टूडेंट? इफ नॉट, नाउ टेस्ट इट, यू विल फाइंड दैट इट डज नॉट टेस्ट सॉल्ट, it is bitter in taste. Okay, so it does not taste salt, that means it does not contain acid. इसको खाने में कैसे लगता है, टेस्ट करने में कैसे लगेगा स्टूडेंट? बीटर टाइप टेस्ट लगेगा। ये salt टेस्ट है ही नहीं। अगर ये salt टेस्ट नहीं है, that means ये क्या नहीं है? एसिड नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? टेक अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड रब इट बिटवीन योर फिंगर्स। कभी इसको हाथ में ले गए, कभी रब करके देखिएगा, हाउ डज इट फील? इट फील सोपी टू टच। इसको टच करने से आपको स्लीपरी फील होगा, स्लीपी फील होगा। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द बेस। व्हाट इज द बेस? Bases are those chemical substances which have a bitter taste and feel slippery to touch. तो ये base होता है, okay? All the metal oxides and metal hydroxide are bases. अब ये metal oxide और metal hydroxide क्या होता है? Metal elements का दो part होता है, metals are known by non-metal two types, metals non-metals. अब ये मेटल्स में जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारा मेटल होता है, उसके साथ ऑक्साइड जुड़ गया। ऑक्साइड में कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सारा क्या है स्टूडेंट? ये सारा कंप्लीटली, ये सब क्या होता है? बेसिस होता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द एल्कलीज? एल्कलीज होता क्या है? सम बेसिस which are soluble in water called alkalis. Means, यहाँ पर जितने सारे bases हैं student, और ऐसे भी ये छोड़ के भी और भी बहुत सारे bases होते हैं, सारे bases पानी के साथ घुलता नहीं है, insoluble नहीं होता है, means few are insoluble. जो completely soluble हो जाए, dissolve हो जाए, वैसे कुछ बेसिस को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एल्कलीज। सो व्हाट इज द एल्कलीज? सम बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड एल्कलीज। जैसे कि एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा क्या होता है? क्या है ये सारा? ये सारा एल्कलीज है। एल्कलीज है मतलब ये सारे के सारे बेसिस
क्या होता है, पानी के साथ घुल जाता है, बहुत इजिली पानी के साथ सॉल्युबल हो जाता है. सो दैट्स व्हाई दिस ऑल आर एल्कलीज. ओके, नोट, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली स्टूडेंट. माइंड इट, इस चीज को नोटिस कीजिए. ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट All bases are not alkalis. मैंने पहले ही कहा कि alkalis किसे कहते हैं, जो पानी में घुल जाए, जो बेस पानी में घुल जाए. तो alkalis होने के लिए बेस होना जरूरी है. तो वैसा बेस जो completely पानी के साथ soluble हो जाए वो alkalis है. So all alkalis are bases. क्योंकि alkalis form होने के लिए बेस चाहिए ही चाहिए. But All bases are not alkalis. Means ऐसा भी बहुत सारे bases हैं जो पानी में घुलता नहीं है, तो वो alkalis नहीं है. So this is very important. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Okay, student? Now, bases and the substances in which they are found. Name of base and substance. Substance in which it is found. So number one, sodium hydroxide, student. Sodium hydroxide. NaOH. Okay? Sodium hydroxide. So, कौन contain करता है sodium hydroxide को? Soap. जो हम लोग bathing में use करते हैं. Ammonium hydroxide, ammonium hydroxide, it's a window cleaning solution or cleaning solution. Ammonium hydroxide, NH4OH. Window cleaning. Solution. Okay, student. Calcium hydroxide. That is CaOH whole 2. Chemical formula. मैं यहाँ पर chemical formula भी हर जगह में mention करते जा रही हूँ, student. आप लोग watch कीजिएगा, देखिएगा, okay? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CHOH होल 2, ये किस किस के लिए यूज किया जाता है? लाइम वाटर. इसमें पाया जाता है लाइम वाटर में. ओके, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसमें पाया जाता है, ये भी सोप में ही, साबुन में ही पाया जाता है. ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल 2, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. Okay, student. So, the next topic is strong base and weak base. Bases are two types, weak bases and strong bases. Students, a common property of all the bases or alkalis, they all are produce hydroxide ion. Means OH minus ions. एक चीज ध्यान से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट. एसिड्स, मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एसिड्स जो कंसेंट्रेशन एसिड्स और डाइल्यूट एसिड होता है वो क्या कंटेन करता है? H+ ions. H+ ions, स्टूडेंट.
और बेस क्या कंटेंट करता है? OH माइनस आयन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ओके लिसन। H प्लस आयन कंटेंट करता है एसिड्स, जो एसिड्स होता है एंड जो बेसिस होता है वो OH माइनस आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रो ऑक्साइड्स आयन्स, ओके। दिस इज हाइड्रोक्साइड्स आयन, हाइड्रोजन आयन्स, ओके। सो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन्स है स्टूडेंट, ये कॉमनली बेसिस और एल्कलीज में प्रोड्यूस होता है। इन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर मींस अगर ये बेस है बट ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं है, ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं है, तो इसमें कोई भी OH माइनस हाइड्रोक्स आयन्स फॉर्म नहीं हो सकता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन तब फॉर्म होगा जब व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, जब ये वाटर के साथ डिसॉल्व होगा तभी ये हाइड्रोक्साइड आयन्स फॉर्म करेगा स्टूडेंट। एसिड्स जब वाटर के साथ, एसिड जब वाटर के साथ मिक्सअप होगा तभी वो H प्लस आयन्स फॉर्म करेगा स्टूडेंट। दैट मीन्स जब ये बेसिस सॉल्यूशन फॉर्म होगा तभी ये हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस होगा, वो विथ वाटर, वाटर के प्रेजेंट में या वाटर के साथ सॉल्युबल होके ये हाइड्रोक्साइड आयन्स फॉर्म करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये स्ट्रॉन्ग कैसे होगा और वीक कैसे होगा। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? क्योंकि जब ये हाइड्रोक्साइड का मात्रा ज्यादा रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वाटर का मात्रा कम हो जाएगा। जब हाइड्रोक्साइड कम हो जाएगा और वाटर ज्यादा हो जाएगा तो वो वीक बेस हो जाएगा, है ना स्टूडेंट? दैट मीन्स व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग मोर वाटर इन इट देन द कंसेंट्रेट हाइड्रोक्साइड आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। ओके स्टूडेंट, वाटर का मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते जाएगा? डिक्रीजेस होते जाएगा। क्लियर? ये काफी इजी है स्टूडेंट, इसको समझने का कोशिश कीजिए। क्लियर? इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप आराम से इसको समझ सकते हैं, लेकिन हाँ इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो दिस इज द डाइल्यूट। क्या डाइल्यूट कब होता है? जब हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जब मोर देन मोर वाटर जब उसमें सॉल्युबल होता है, एंड जब लेस वाटर सॉल्युबल होता है तो क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस हाइड्रोक्साइड आयन, दैट टाइम इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेसिस और कंसेंट्रेटेड बेसिस। ओके क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द वीक बेसिस? बेसिस व्हिच आर नॉट सो सॉल्युबल इन वाटर, दैट मीन्स पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। आयोनाइज्ड इन, पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन कम मात्रा में, ओके, एंड दोस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स। ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है जब वाटर के साथ तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स फॉर्म करता है। दिस इज कॉल्ड द वीक बेसिस। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्सियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। नाउ द स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होगा? बेसिस विच आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वॉटर, दैट मीन्स आयोनाइज इन, कंप्लीटली आयोनाइज इन वॉटर। जो कंप्लीटली सॉल्युबल होगा वो कंप्लीटली आयोनाइज भी होगा वाटर के साथ, एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। कंप्लीटली सॉल्युबल हुआ मीन्स उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स प्रोड्यूस हो गया, मीन्स द पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोक्साइड आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंक्रीज हो जाएगा, ओके, आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ओके स्टूडेंट, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, हम लोग को पहले ही पता है स्टूडेंट्स। दे आर सोपी और स्लिपरी टू टच, हम लोग पढ़ चुके हैं।
बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, जो मैंने पहले ही कहा है कि ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे. दिस इज द इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स. लिटमस को हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं. ये इंडिकेटर्स क्या है ना, एक पेपर है, वो लिटमस पेपर जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, बेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड आर कोरोसिव इन नेचर, सो दैट्स व्हाई सो दीज आर टू बी हैंडल वेरी केयरफुली. वीक बेसिस लाइक बेकिंग सोडा आर हार्मलेस. ओके, जो जो भी स्ट्रॉन्ग है वो कोरोसिव है और जो वीक है वो हार्मलेस है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सम ऑफ द बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, सो दिस इज वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज. The bases which are not soluble in water are not alkalis. So all the alkalis are bases, but all the bases are not alkalis. Okay, student? Now, some uses of bases. Calcium hydroxide is used in whitewashing. If my calcium hydroxide ko hum log whitewashing, neutralizing acidic soil, means acidic soil ko hum log neutralize karne ke liye bhi कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं. एंड देन ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर केमिकल्स मिक्सअप जो वाटर्स निकलता है, जो वाइप आउट होता है, उसको भी हम लोग कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड से उसको ट्रीट करके उसको बाहर निकाल देते हैं. ओके, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है. ये लिक्विड सोप्स, लोशंस एंड शैम्पूस में यूज़ किया जाता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक बायोडीजल्स. बायोडीजल्स क्या है स्टूडेंट? अ टाइप ऑफ डीजल्स ऑब्टेंड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज. बायोडीजल्स में जो ऑर्गेनिक लिविंग सोर्सेज से हम लोग को जो डीजल मिलता है उसे हम लोग बायोडीजल्स कहते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा है और केमिकल फार्मूला NaOH है. इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल, सोप्स, डिटर्जेंट एंड बोरेक्स. ओके, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया मीन्स मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं, जो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, ये सब यूज होता है एंटी एसिड. इन एंटी एसिड क्यों? फॉर न्यूट्रलाइज्ड जो एसिडिटी को इन द स्टोमक, स्टोमक में जो एसिड फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं. एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी यूज किया जाता है हाउस होल्ड क्लीनिंग के लिए. ओके, सो थैंक यू सो मच for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.